नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों ये टेबल फैन है, ये रोटेट प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ये फैन करंट में रखे तो हमारे को अच्छे से फिर रहा है, इसको हमें रोटेट ऑन करें तो ये नहीं फिर रहा है। देखिए, देखो मैं ये नीचे प्रेस कर रहा हूँ, ये नहीं फिर रहा है। देखिए एक बार रोटेट हो रहा है, एक बार रोटेट नहीं हो रहा है। देखिए मैं अब ये रोटेट बटन ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये नहीं फिर रहा है। इसके लिए हमें इसको कैसे रिपेयर करें जानेंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। दोस्तों ये इस तरीके का गेयरबॉक्स है और इसको खोलने के लिए हमारे को अंदर स्क्रू रहता है और प्रेसिंग का रहता है और थ्रेडिंग का रहता है। थ्रेडिंग का है तो आपको ऊपर ओपन बोल के प्रिंट रहता है, ये प्रिंट को हमें खोलना होगा राइट साइड में। और नीचे अंदर स्क्रू भी आता है, थोड़े मॉडल को इसको राइट साइड में घुमाओ, ऊपर प्रिंट दिया रहता है। ये खोलने पे नहीं खुल रहा है, इसके लिए हमें इसके नीचे के शाफ्ट पे कटिंग ब्रश से पकड़ के इसको खोलना होगा। आपका खुल रहा है तो आप इजीली खोल लो, ये नहीं खुल रहा था, इसके लिए मैं नीचे कटिंग ब्रश के मदद से ओपन कर लिया हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद इसके दो स्क्रू रहते हैं ऊपर, ये दो स्क्रू ओपन कर लो। दोस्तों ये लोकल फैन है, इस तरीके का गेयरबॉक्स आता है, आपको कंपनी में गेयरबॉक्स अलग आता है, वो भी वीडियो बनाकर बतलाता हूँ। दोस्तों धीरे से ये ऊपर की प्लेट काट लो, काट के इधर देखो किधर तो भी ये डैमेज हुई क्या, डैमेज हुई तो भी हमारे को लॉक नहीं होएगा। इसको अब बाहर निकाल लो गेयरबॉक्स को। दोस्तों देखो इसमें गेयरबॉक्स है हमारा, खाली ये रोटर फिर रहा है और इसके अंदर देखिए पूरा स्प्रिंग बाल्सा पूरे नीचे गिर चुके हैं। देखिए इस तरीके की स्प्रिंग अंदर गिर चुकी है ये, और इसके अंदर अभी क्या है तो देखना होगा हमें, कुछ भी नहीं है तो अब इसको हमें रीफिटिंग करना होगा। देखिए इस होल में हमारे को दो बाल्सा आते हैं, मैं आपको काट के दिखलाता हूँ। देखो इसमें होल में हमारे को दो बाल्सा आती हैं और ये आप स्प्रिंग भी रहती है। देखो एक बाल्स डाल के हमें इसकी स्प्रिंग इसके अंदर रखना होगा, अंदर रख के फिर एक इधर एक बाल्स रखना होगा, इधर एक बाल्स रख के थोड़ा धीरे से रखना होगा, ये बाल्स गिर जाएगा, सावधानी से करो। मैं आपको ये बाल्स रख दिया हूँ, अब इसका गियर भी लाके हमें इसको धीरे से प्रेस करना होगा। प्रेस कर लिया है, देखो ये अच्छे से अब लॉक हो चुका है। इसको थोड़ा ग्रीसिंग कर लो और ये शाफ्ट देखो सामने घटा है क्या, घटा है तो आप नया शाफ्ट डाल लो या नया गियरबॉक्स डाल लो। देखिए ये अब बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है। दोस्तों और थोड़े कंपनी मॉडल में थोड़ा चेंज आता है, वो भी आपको वीडियो बताता हूँ। और इसकी कैप आके ऊपर रख के इसको फिट कर डालो, फिट करके इसके दोनों स्क्रू को टेंट करो। दोनों स्क्रू टेंट होने के बाद अब मैं आपको ये चेक करके बतलाता हूँ। करंट में रखता हूँ, देखो मैं अभी, देखो ये अब वो रोटेट, अब ये रोटेट हो रहा है। देखिए पहले रोटेट नहीं हो रहा था, रुक रुक के रोटेट हो रहा था, अब देखो ये कंटिन्यू रोटेट होने लग गया है। ठीक है दोस्तों, आपका भी फैन इस तरीके की प्रॉब्लम आ रहा है तो आप घर बैठे रिपेयर कर सकती हैं। आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं उस आपको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करके मैं आपको बनाता हूँ। दोस्तों क्या भी प्रॉब्लम है तो आपको किस पे वीडियो बनाना है कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपनी फैनों का गेयरबॉक्स किस तरीके आता है वो वीडियो बनाता हूँ। देखिए ये अब अच्छे से रोटेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो ला